हेलो दोस्तों, रेस्टोरेंट स्टाइल अदरखी तंदूरी झींगा कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पर आप सभी का स्वागत है। अदरक की तंदूरी झींगा बनाने के लिए यहां पर देख रहे, मैंने लिया है मीडियम साइज का प्रॉन्स। ये देख रहे मीडियम साइज का प्रॉन्स है, और मैंने इस प्रॉन्स को अच्छा से नीटली क्लीन करके, वॉश करके, वाटर रिमूव करके एक ट्रे में सेट कर लिया है। आपको भी सेम ऐसा ही सेट कर लेना है। तो चलो अब लगाते हैं इसमें मसाला। तो कबाब बनाने के लिए दो ऑप्शन होता है, एक फास्ट मैरिनेशन, एक सेकेंड मैरिनेशन। तो इस झींगा को सबसे पहले फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अदरक की तंदूरी झींगा बनाने के लिए सबसे पहले हम फास्ट मैरिनेशन पे ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको ऐड करना है 2 चम्मच जैसा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऐड करेंगे लेमन जूस। आपको क्या करना है, 4 या 5 का लेमन जूस निकल के इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक। आपको ऐड करना है 1/2 चम्मच जैसा नमक, थोड़ा सा कोरिएंडर रूट्स। आपका पास अगर कोरिएंडर रूट्स ना हो तो ऐड कर लीजिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव चॉप। और नेक्स्ट ऐड करेंगे जिंजर जूस, क्योंकि हम बना रहे अदरक की छींगा। तो आपको क्या करना है, जिंजर का जूस निकालना है और इसमें ऐड करना है। ऐड करेंगे कैरम सीड, अजवाइन सीड। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अजवाइन लेना है और इसमें ऐसा घिस घिस के ऐड करना है। तो हमने फास्ट मैरिनेशन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिया है। अब हम धीरे धीरे इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको क्या करना है, इस झींगा को अच्छा से मिक्स कर लेना है और इसे आधा घंटा के लिए फ्रीजर या चिल्लर, आपका पास जो अवेलेबल हो उसमें आधा घंटा के लिए रख लीजिए। तो देख रहे झींगा फास्ट मैरिनेशन डन। अब बारी है सेकेंड मैरिनेशन का मसाला के लिए। तो बर्तन रेडी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है हैंग कर्ड। आप लोग हैंग कर्ड कैसे बनाएंगे, दही को कपड़े में फिल्टर कर लीजिए 7 से 8 घंटा तक, तो आपका हैंग कर्ड तैयार हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ऐड करेंगे हैंग कर्ड। नमक ऐड करेंगे स्वादिष्ट अनुसार। चाट मसाला 1 स्पून, ग्रीन कार्डमम पाउडर 1 स्पून, ड्राई जिंजर पाउडर 1 बड़ी स्पून। नेक्स्ट ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर। आपको क्या करना है, आधा बॉल जैसा ऐड करना है चॉप्ड जिंजर। आपको क्या करना है, स्पाइसी का हिसाब से ऐड कर लेना है येलो चिल्ली पाउडर। अगर आपका पास येलो चिल्ली पाउडर ना हो तो आप लोग ग्रीन चिल्ली को पेस्ट करके या चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा किचन में येलो चिल्ली पाउडर है इसलिए मैंने ऐड किया है। और येलो चिल्ली पाउडर के बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे टर्मेरिक पाउडर और मस्टर्ड। आपको पैन में मस्टर्ड को अच्छा से गर्म करना है और इसे ऐसा मिक्स करके इसमें ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने का टाइम पे इसमें सॉल्ट, स्पाइसी और ड्राई जिंजर का पाउडर, मतलब जिंजर का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है कि ना आपको चेक कर लेना है। अगर कुछ कमी लगे तो आप लोग ऐड कर लीजिए, लेकिन मैंने चेक कर लिया है हमारा ये मसाला ज़बरदस्त है। तो चलो मसाला तैयार है दोस्तों, मसाला डन तैयार है। अब हम क्या करेंगे, फास्ट मैरिनेशन करके रखा था झींगा, इस झींगा को आपको निकालना है और धीरे धीरे इस मसाला में ऐड करना है। हम धीरे धीरे इस झींगा को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। आपको क्या करना है, मसाला का साथ इस झींगा को अच्छा से मिक्स करना है। तो देख रहे मैंने कैसा झींगा में मसाला लगा लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में स्टोर कर लेते हैं और इसे 1 घंटा के लिए चिल्लर में रख लेंगे। 1 घंटा बीत चुका है, चलो लगाते हैं झींगा, वो भी सरिया में। तो देख रहे मैंने लिया है 3 पतला सा सीक, और इस सीक में आपको क्या करना है, झींगा को लेना है 1 बाय 1 करके पोर्शन हिसाब से आपको सरिया में झींगा लगाना है। झींगा डन। चलो अब हम ग्रिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसमें तंदूर में ऐड करना है।
झींगा को तंदूर में ऐड करने के बाद है आपको इसे अच्छा से लीड डाल के वेल डन ग्रिल कर लेना है। तो झींगा हाफ डाउन ग्रिल रेडी, अब हम इसे अच्छा से बटर ब्रश करके फुल डाउन ग्रिल कर लेंगे। तो दोस्तों झींगा फुल डाउन डन, अब प्लेटिंग का बारी है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस झींगा को सीक में अच्छा से निकाल लेना है। धीरे धीरे इसे वन बाय वन करके प्लेटिंग कर लेंगे। देख रहे हैं मैंने कैसे प्लेटिंग कर रहा हूं, आपको सेम। और दोस्तों कैसा रहा हमारा ये अदरक की झींगा कबाब का रेसिपी और कुकिंग मेथड? पसंद आया तो हो जाए एक जबरदस्त लाइक और इस वीडियो को शेयर। बाय बाय, थैंक यू।